उत्तराखंड में गर्मी शुरू होने के साथ ही नदियों का जल स्तर भी घटने लगा है। आपको बता दें कि सरयू नदी का जल स्तर सामान्यतः 866 मीटर रहता है, लेकिन वर्तमान में ये घटकर 863 मीटर के करीब हो गया है। वहीं गोमती नदी का जल स्तर भी 861 मीटर के करीब रह गए। नदी में बढ़ता प्रदूषण, लगातार हो रहा खनन जल स्तर घटने का मुख्य कारण है। जल स्तर घटने से सिंचाई और पेयजल की समस्या पैदा होने लगी है। चाहेंगे कि वो इस प्रकार से पानी का बर्बाद जो पीने योग्य है उसे अपने बाग बगीचे में न डालें। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में पूरे विश्व में ऐसा युद्ध छिड़ेगा जिसका कोई उपाय संभव नहीं होगा। वो बिल्कुल एक जल युद्ध के तौर पर शुरू होगी जो बड़ा नुकसानदायी पूरे प्राणी मात्र के लिए होगा। और इस बीच विभाग को भी जो हमारे रिसोर्सेज है उसमें उनको अच्छे तरीके से पूरा कैलकुलेट करके और प्लानिंग के साथ उनको करना है। तो इसमें पहले भी जल संस्थान को कड़े निर्देश दिए गए थे कि वो सभी को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें, लेकिन यदि उनकी तरफ से कोई लापरवाही हुई है तो फिर उनको कड़े से कड़े निर्देश दिए जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी यदि विभाग किसी तरह से लापरवाही करता है। गर्मी की शुरुआत में ही जल स्तर घटने से दिक्कत और बढ़ने लगी है, जबकि प्रशासन इस बारे में कोई ठोस प्रयास करता दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।